हेलो गाइस, सो आज के बिजनेस एनालिसिस में आज हम दो बिजनेस का बात करने वाले हैं. ओके, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, और एक एक पेंट्स कंपनी है जिसका बहुत ही छोटा मार्केट शेयर है हमारे कंट्री में, और जिसका आगे मुझे थोड़ा बहुत ग्रोथ और स्कोप दिखता है. उसका नाम है इंडिगो पेंट्स का. तो मैंने अपना कॉपी लेके बैठ गया बिकॉज हमें बहुत कुछ डिस्कस करनी है. दोनों बिजनेसेस का रिजल्ट्स डिस्कस करनी है, बिजनेस मॉडल डिस्कस करनी है, कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला राइट, वो डिस्कस करनी है, आउटलुक क्या दिया वो डिस्कस करनी है, प्रोज एंड कॉन्स एंड रिस्क वो भी डिस्कस करनी है इन सारे बिजनेसेस का. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे आपको कुछ थोड़ा बहुत नंबर्स भी देना है, तो इसलिए मैंने अपना कॉपी लेके बैठा सो दैट मैं कुछ पॉइंट्स मिस ना करूं. एंड सिंस मैं उतना पीपीटी में बिलीव नहीं करता हूं, मैं उतना एक्सेल शीट में बिलीव नहीं करता हूं. मैं बिलीव करता हूं कि लाइक इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग एक कॉमन सेंसिकल एक्टिविटी, मतलब एक 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 एक्टिविटी है. सो उसको उसी तरह से आप देख सकते हो. तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आज एप्टस वैल्यू हाउसिंग के साथ, ठीक है? तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग क्या है? एप्टस वैल्यू हाउसिंग एक एक छोटी सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. अब हाउसिंग फाइनेंस दो तरीके का होता है. एक होता है नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो कंपनीज लेट से एचडीएफसी लिमिटेड, जो लेट से 20 25 30 40 लाख रुपए का होम लोन्स देते हैं टू द रिटेल कस्टमर्स इन दिस कंट्री. और दूसरा होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज. मतलब क्या? ये टायर 4 टायर 5 टायर 6 विलेज लेवल के लोगों को 5 6 7 8 9 लाख 10 रुपए 10 लाख का होम लोन्स देते हैं. तो एप्टस आता है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में. तो अगर हम थोड़ा बहुत एप्टस का बात करें तो थोड़ा समझ लेते हैं कि बिजनेस का प्रोस्पेक्ट क्या है. तो जब मैनेजमेंट को कॉन कॉल में ये पूछा गया था कि लाइक आपका बिजनेस का एयूएम का ग्रोथ, एयूएम मतलब आप किस रेट से अपने लोन बुक को बढ़ाओगे राइट इन द फ्यूचर, तो उन्होंने ये बताया कि वी शैल बी इंक्रीजिंग अवर एयूएम बुक बाय 25-30% सीएजीआर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स राइट. तो मिनिमम अगले 5 साल के लिए 30% सीएजीआर से अपना एयूएम को ग्रो कर सकता है. अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है राइट. ये क्यों होता है? बिकॉज इनका एयूएम का साइज ही छोटा है. अगर आप इनका एयूएम देखोगे वो कुछ 6,307 करोड़ का है. बाय द वे मैं ये सब Q3 FY23 का एंड का डेटा बता रहा हूं, ठीक है? तो सिर्फ 6,307 करोड़, अगर आप सोचोगे इंडिया में इतने हाउसेस की कमियां हैं राइट, और आज जब देख रहे हो कि बड़े फैमिलीज से लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में भी शिफ्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि लाइक इंडिया में बहुत घरों की जरूरत है. तो 6,000 करोड़ का लोन बुक अगर 30% से भी बढ़े तो आप लॉजिकली देखोगे कि 5 साल में ये 3 से 4 गुना भी आराम से हो सकता है बुक. मतलब 3 से 4 गुना भी होता है तब भी इनका बुक बनता है 20 से 25 हजार करोड़ का, विच इज प्रेटी मच डूएबल करेक्ट. तो इसीलिए और हम या किस टाइप के बिजनेसेस का बात करते हैं, जिस बिजनेसेस पे स्कोप है ग्रोथ का राइट. अब देखिए पैसा बनाएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है मतलब कंपनी का एग्जीक्यूशन पे राइट. वो तो हमें बिजनेस को ट्रैक कर करके देखना पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट, हमें वो बिजनेसेस चुनना है जिसमें पैसा बनाने की बड़ी क्षमता रखती हो या बड़ा एक चांस हो. तो एप्टस उन्हीं में से है. तो चलिए थोड़ा बहुत एप्टस के बारे में देखते हैं, उनका रिजल्ट मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं. बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ गया. ये लोग मेजोरिटी लोन देते हैं 5 से 10 लाख के बीच में, ठीक है? और ये उन्हीं को लोन देते हैं जो कि से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टू अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी में है, थोड़ा सा बॉटम ऑफ द पिरामिड में ये लोग ज्यादा है, ठीक है? तो ये बन जाता है. अब होता है दूसरी बात कि एप्टस का बिजनेस मॉडल समझते हैं. जैसे आपको समझा कि एप्टस इज मेजरली एक होम लोन बिजनेस, तो उनका 80% ऑफ द बिजनेस ये अफोर्डेबल होम लोन से आता है. 20% ऑफ द बिजनेस उनका एक एसएमई एक बुक है. एसएमई मतलब उनका ये जो छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देना, उनके ये छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन देना, ठीक है, गांव गांव में जाके लोन देना. तो 80% ऑफ द बुक मतलब 80% ऑफ एप्टस इज इन टू अफोर्डेबल हाउसिंग, 20% इज इन टू एसएमई लेंडिंग, ठीक है? तो अभी क्या होता है आप समझिए, जब आप कोई टायर 4 टायर 5 सिटीज में जाते हो और से फॉर एग्जांपल वहां पे आप लोन्स देते हो, एसएमई लेंडिंग करते हो शॉपकीपर्स को, छोटे छोटे ये जो एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग हैं, या जो लोग लेट्स से कॉटन वीविंग में है, ठीक है, इनसे आप यील्ड बहुत लेते हो, ठीक है, बहुत लेते हो मतलब इंक में अगर आप इनको लोन देते हो 100 रुपए का तो आप इनसे चार्ज करते हो 20-22% राइट. क्यों? और ये सब ग्रैनुलर रिटेल लोन होते हैं बिकॉज 20-22% मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सोचिए ना यहाँ पे इतना ग्रैनुलरिटी है. सो इन अ नेट नेट बेसिस दे मेक मनी, ओके दे लूज मनी, बट ऑन अ नेट नेट बेसिस दे मेक मोर मनी देन दे लूज.
तो यही तो एक्चुअली एनी बैंकिंग या फाइनेंशियल्स का काम ही है। सो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंस आपका एक 20% का बुक है एसएमई में, इसी वजह से अगर आप एप्टास का रिटर्न ऑन एसेट देखोगे, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है टू एनालाइज एनी फाइनेंशियल्स, वो है कुछ अप्रोक्सीमेटली 8%। अगर आप कोई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखोगे ना, वो 2-3-4% के रेंज में रहता है, कोई बैंक्स का देखोगे तो उसी रेंज में रहता है, लेकिन एप्टास का 8% है। तो एक एनालिस्ट ने एप्टास को पूछा, आप सोचिए रिटर्न ऑन एसेट इतना हाई कब दिखता है, बिकॉज फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाई एसेट। अब एसेट का दो हिस्सा होता है, एक होता है लायबिलिटी मतलब बाहर से कैपिटल बोरो करना प्लस, और दूसरा है आपका इक्विटी मतलब जो कि है मतलब बिजनेस का मालिकों का पैसा, डेट और प्लस आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। तो अगर रिटर्न ऑन एसेट बहुत हाई है जनरली कोई फाइनेंशियल का, तो ये माना जाता है कि वो बाहर से पैसा कम उठा रहा है, और अगर कोई बाहर से पैसा कम उठा रहा है मतलब उस बिजनेस का ग्रोथ एस्पिरेशंस कम है, राइट। मतलब सोचिए ना, आज अगर क्रेडिट डिमांड बहुत है तो बैंक को तो यहां से डिपॉजिट को रेस करने के लिए पागलों को तो कोशिश करना पड़ेगा, राइट, और भी आपको बॉन्ड से पैसा रेस करना पड़ेगा, नहीं तो लोन कैसे दोगे, करेक्ट। बैंक्स के पास तो खुद पैसा नहीं होता है, मतलब बैंक्स मतलब आई एम सेइंग ऑल फाइनेंशियल्स, बट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा आरओए हाई है नॉट बिकॉज के हम लेंड मतलब नॉट बिकॉज के हम बोरो कम रेट में कर रहे हैं, नॉट बिकॉज के हम बोरो करते नहीं है, हम बोरो करते हैं, बट बिकॉज हमारा वो जो एसएमई का बिजनेस है ना, जो मैंने आपको बोला जिसका यील्ड है 20-22%, उसके वजह से द टोटल आरओई इज 8%। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बोला कि ले आगे जाके ये यील्ड कुछ 7-7.5-8% के रेंज में ही घुमा फिरा करेगा। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक यहां पे क्या होता है कि अब जब ये लोन्स देते हो, आप किसको लोन देते हो, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है कि लाइक जो सैलरीड क्लास, दूसरा होते हैं कि जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एप्टास फोकस करते हैं मोर और लेस ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, बोथ ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एज वेल एज द एसएमई। तो उनका अगर लेट्स से 100 कस्टमर्स होते हैं तो उनका 30% मतलब 30 कस्टमर्स होते हैं सैलरीड, 70 कस्टमर्स होते हैं आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है के लिए थोड़ा बहुत डेटा पे बात करते हैं कि उनका रिजल्ट्स कैसा था Q3 में, क्योंकि अभी हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, हमने कस्टमर प्रोफाइलिंग कर लिया और हमको समझ में आ गया कि लाइक बिजनेस का आरओई हाई है जो कि मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर है देखने का, और वो हाई क्यू है, राइट। तो अभी थोड़ा नंबर्स देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ के मैनेजमेंट ने क्या बोला, अगले 5 साल तक 25-30% से एयूएम ग्रो कर ही सकता है। तो ऑन अ वाईओवाई बेसिस, अगर मैं सिर्फ Q3 का नंबर बताऊं, द एयूएम ग्रो ऑन अ वाईओवाई बेसिस ऑफ 31% का ग्रोथ, और वो 31% वाईओवाई बढ़ के एयूएम बनता है 6307 करोड़। अगर मैं डिसबर्समेंट्स का बात करूं, डिसबर्समेंट्स का क्या मतलब है कि एक क्वार्टर में आपने कितने रुपए बाहर लेंड किए, ठीक है, मतलब लोगों को घर खरीदने में या घर को ठीक करने में, मरम्मत करने में, द डिसबर्समेंट्स ग्रू 55% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। अब आपको पता ही चल गया कि नहीं कि जो बैंक लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ा रिस्की लेंडिंग की तरफ जाते हैं, मतलब टायर 4 सिटीज गांव में फिर आप एसएमई लेंडिंग करते हो, उनका निम्स थोड़ा हाई होते हैं, राइट। निम्स तो हाई होना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज हाई एंड निम्स का मतलब है कि आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा हाई होगा लेकिन आप पैसा भी दे रहे हो एट अ हायर यील्ड। सो इनका अगर आप देखोगे द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 6%, राइट, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट दे केटर टू पीपल लाइक मोस्टली इन द सेमी फॉर्मल एंड इन द रूरल रीजन। तो अब तो यहां पर सारी चीजें हमने बात कर ही लिया, एक बात है कि लेकिन अगर आप रिजल्ट पे थोड़ा सा गौर करोगे आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर तक मतलब Q2 से Q3, ठीक है, उनका डिसबर्सल कुछ 1% बढ़ा, जबकि ईयर ऑन ईयर 55% बढ़ा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 1% बढ़ा। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि से फॉर एग्जांपल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो नहीं किया, अब आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि एप्टास एक साउथ इंडिया बेस्ड एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, तो उनका तमिलनाडु में बहुत बड़ा एक बेस है, तमिलनाडु में है, केरला में है, अभी ये लोग नया नया शहरों में जा रहे हैं, मतलब वो भी इनके एक्सपेंशन का पार्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल दे वो लोग ओडिशा में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में घुस गए हैं, लेकिन अभी इनका ग्रोथ क्यों नहीं हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज तमिलनाडु में ना इनका कोई स्टाफ चेंजेस लेके कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब कुछ लोग मैनेजमेंट के लेट से इनका जॉब छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो इनका ना कोई स्टाफ का इशू आ गया था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये बनता है एक रिस्क एक बिजनेस का, बिकॉज ये छोटे बिजनेसेस है, ठीक है, तो इनका ना क्या है ना कि इनका मैनेजमेंट का वो ओवरले नहीं है,
ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे एट्रिशन कभी कभार गड़बड़ कर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्लियरली मेंशन है कि लाइक स्टाफ चेंज के वजह से, कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्लियरली बोला कि स्टाफ चेंज के वजह से Q3 Q2 से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, बट हैविंग सेड दैट मैनेजमेंट ये भी नहीं बोला है कि लाइक आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा बिकॉज ये हम कवर कर चुके हैं। इसको छोड़ के देखिए, इसको छोड़ के और तो ज्यादा कुछ डिस्कशन का है नहीं। मेनली पॉइंट आपको क्या देखना है, फाइनेंशियल्स का आरओए और आरओई का नंबर। तो इसका आरओए 8% और आरओई है 16%, ठीक है। तो अगर आरओए और आरओई में डिफरेंस क्या है, लेवरेज का, ठीक है। सो मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी आज इनका 16% है। तो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर मैं क्या चाहूंगा, मतलब ऑफकोर्स मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप क्या चाहोगे कि लाइक ये कंपनी का आरओई बढ़ता रहे, राइट। और क्या है ना कि लाइक देखिए, अगर इसका आरओए का नंबर थोड़ा घटता भी है और आरओई का नंबर थोड़ा बढ़ता भी है तो चलेगा मेरे लिए, बिकॉज अगर आरओए का नंबर थोड़ा बहुत घटता है, जैसे मैंने बोला राइट कि एसेट अगर बढ़ता है, मतलब आपका आपका और बोरोइंग्स बढ़ गया, राइट। और अगर आपका बोरोइंग्स बढ़ गया और उस पैसे को आपने सही जगह से डिप्लॉय किया, मतलब सही जगह पे आपने लेंड किया और आपका एसेट क्वालिटी अच्छा रहा और आपको वो पैसा वापस मिल गया, तो क्या होगा, आपका आरओई बढ़ेगा, राइट। बिकॉज ऑन दैट, बिकॉज जितना ज्यादा पैसा वापस आएगा विथ इंटरेस्ट, आपका नेट इनकम बढ़ेगा ऑन दैट सेम इक्विटी बेस। तो आपका आरओए थोड़ा घटेगा, आरओई थोड़ा बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगला पॉइंट है कि लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस करना भूल गया कि एसेट क्वालिटी, राइट। एक कोई भी फाइनेंशियल का एसेट क्वालिटी बहुत क्रिटिकल होता है। जैसे हमने डिसबर्सल का बात किया, हमने प्रॉफिटेबिलिटी का बात किया, हमने एयूएम ग्रोथ का बात किया। तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है, ऑल्दो कि अभी तक इनका एसेट क्वालिटी ना प्री कोविड लेवल तक अभी भी आया नहीं है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, पिछले दो क्वार्टर से द ग्रॉस एनपीए एंड द नेट एनपीए एंड उनका जो बकेट्स है, राइट, 30+ 60+ 90+ जो बकेट्स है, वो बकेट्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये बनता है एप्टस का एक छोटा मोटा एनालिसिस। अब आपको क्या देखना है इस कंपनी में, आपको यह देखना है कि ट्रैक करनी है। देखिए ऐसे कंपनीज के साथ ना आप 5 साल का व्यू आज नहीं ले सकते हो, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कंपनीज को ट्रैक करके देखना है। बिकॉज छोटे मार्केट कैप वाला कंपनी, मतलब 6,000 करोड़ का मतलब एयूएम का ग्रोथ है, लेकिन यहां पे पैसा बन सकता है। तो पॉइंट यही है कि जैसे मैं इस बिजनेस को ट्रैक किया, मैंने अपने मतलब ट्विटर में थ्रेड में लिखा, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस बिजनेस के बारे में शेयर करूं। तो अगर आपको कोई अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस देखना है, साउथ इंडिया बेस्ड है और उसका ग्रोथ है, तो आप पक्का एप्टस हाउसिंग फाइनेंस देखिए। ओके, सो ऑन दैट नोट अभी हम चले जाते हैं दूसरे बिजनेस पे जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स, ठीक है। अब पॉइंट पहला मैं बोल देता हूं, इंडिगो पेंट्स का एप्टस के जैसा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है नहीं, 25-30% का है नहीं, बट इंडिगो पेंट्स में बोल सकता हूं, ये भी साउथ का ही है एक्चुअली, ये स्टार्टेड फ्रॉम केरला, ठीक है। तो इंडिगो पेंट्स का मैं कहानी थोड़ा बताता हूँ। इंडिगो पेंट्स का एक्चुअली है, ये लोग टायर 3 टायर 4 सिटीज से चालू किया था, केरला वॉज देयर मेन सिटीज। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये टायर 1 टायर 2 और मेट्रो सिटीज में ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर आप कोई शहर से हो, आपने इंडिगो पेंट्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप साउथर्न इंडिया में कोई सेमी अर्बन एरिया में रहते हो, तो आपने पक्का इंडिगो पेंट्स का नाम तो सुना होगा। तो इंडिगो पेंट्स अभी क्या बोल रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दे आर टारगेटिंग 750 सिटीज इन टायर 1 एंड टायर 2। इसका क्या मतलब है, ये लोग एकदम एक्सपेंशन मोड में हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं कंपनी का, कि कंपनी का केपेक्स कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई केपेक्स नहीं किया, पैसा नहीं डाल रहा है बिजनेस पे, तो आगे ग्रोथ कहां से आएगा। और अगर आगे ग्रोथ नहीं आया तो मेरा तो शेयर नहीं बढ़ेगा, तो मैं उसके बारे में क्यों डिस्कस करूं, करेक्ट। तो यहां पे केपेक्स क्या हो रहा है कि इन्होंने तमिलनाडु में एक नया प्लांट भी लगाया है, ठीक है, एक वाटरप्रूफिंग का एक प्लांट है, एक वाटरप्रूफिंग और आई गेस उनका एक पेंट का प्लांट है, तो वो जो लगाया है केपेक्स में, ठीक है। तो ये बनता है इंडिगो पेंट्स का मोर ऑर लेस का स्टोरी। अब थोड़ा बहुत नंबर्स पे ध्यान देते हैं, तो इनका अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनका अगर मैं थोड़ा मतलब नंबर्स का बात करूं इन Q3 FY23, तो इनका रेवेन्यू वर अप अराउंड 7% ऑन अ YOY बेसिस and the PAT was up around 7.5-8% on a YOY basis. तो ये कुछ खास नंबर नहीं है, राइट। मतलब आप बोलोगे लाइक मतलब इससे तो बेटर नंबर था उसका, मतलब द प्रीवियस कंपनी दैट वी कवर्ड हियर। तो इसका बहुत सारे रीजंस है, राइट, बिकॉज पिछले 1-2 साल में ना पेंट्स में बहुत पेंट इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आए थे बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स। तो आप देखोगे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, नेरोलैक, इन सब ने ना अपना कुछ 3-4 बार प्राइसेस को हाइक करना पड़ा अपने पेंट्स का, पुट्टी का, डिस्टेम्पर का। क्यों? बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना बढ़ गया था एंड दे हैड टू पास ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस, नहीं तो इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो खत्म ही हो जाता। अब जब कोई किसी का प्राइसेस बढ़ा देता है ना, तो उसका वॉल्यूम इफेक्ट करता है। तो आई गेस मैंने ये अपने पेंट्स के सेक्टर में, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब में अपने चैनल में वीडियो बनाया था, अगर हो सके तो आप देख सकते हो, राइट। तो
इंडिगो पेंट्स, और बाय द वे इंडिगो पेंट्स 100% डेकोरेटिव में है। तो दो टाइप के पेंट्स होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं इंडस्ट्रियल, डेकोरेटिव मतलब लोगों का घर पेंट करता है, घर का इंटीरियर, घर का एक्सटीरियर, और एक होता है इंडस्ट्रियल पेंट, लेट से कोई फैक्ट्री को पेंट करना है, या लेट से कोई गाड़ी का कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि चलो तुम मारुति का ये वाला पूरा गाड़ी को तुम रेड कलर का पेंट करोगे, ठीक है, लेकिन ये कंपनी है पूरा आपका डेकोरेटिव पेंट्स का। अब सोचिए लॉजिकली, ये साल में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, लाइक पिछले एक दो साल से इन्फ्लेशन का वजह से ना, जैसे आपने देखे होंगे ना 6-7% का ही ग्रोथ है, राइट, YOY का ग्रोथ है, मतलब क्या 6-7% से तो हमारा GDP का ही आसपास का ग्रोथ है, राइट, लेकिन सोचो इसका मतलब है कि पेंट सेक्टर कितना सफर किया, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स का तो आई गेस इनसे भी कम ग्रोथ है, इसके आसपास के कोई ग्रोथ है, सो इसका मतलब क्या पेंट सेक्टर का वॉल्यूम ग्रोथ का इश्यू है, ठीक है, तो एक होता है एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, वो है एक्सटेंडेड मॉनसून। तो सोचिए ना, अगर आपको घर पेंट करना है, ठीक है, अगर आपको घर पेंट करना है तो आप क्या करोगे, तो आप अगर मॉनसून बारिश हो रहा है तो आप तो घर का एक्सटीरियर पेंट नहीं करवाओगे, राइट, और इस बार क्या हुआ इंडिया में ना एक्सटेंडेड मॉनसून हुआ, मतलब अगर आप देखोगे Q2 में जो मॉनसून खत्म हो जाना चाहिए था वो Q3 के अक्टूबर नवंबर में भी घुस गया, तो इसलिए क्या हुआ Q3 का नंबर थोड़ा सबड्यूड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल के, हाँ, जैसे मैंने मॉनसून का बात किया, हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है कि लाइक एक पेंट कंपनी का मेन चीज क्या है, मैं देखूंगा डीलरशिप नेटवर्क का एक्सपेंशन क्या है और टिंटिंग मशीन क्या है। टिंटिंग मशीन मतलब जितना मशीन, वो टिंटिंग मशीन होता है जो कलर्स को मिक्स करके ना कस्टमर को वो कलर मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो एक एक पेंट का डीलर को तो सारे कलर का डिब्बा लेके बैठना पड़ता है। सो टिंटिंग मशीन, ये मतलब 2-3 पेंट का कॉम्बिनेशन मिला के भी अब कस्टमर को वो पेंट दे सकते हो जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है। सो ये होता है, अब तरह गूगल करके भी देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है कि टिंटिंग मशीन का काम क्या है। तो मैं देखता हूं एक कंपनी का टिंटिंग मशीन का ग्रोथ क्या है, और ये भी मैं देखता हूं कि लाइक डीलरशिप का क्या ग्रोथ हो रहा है। तो अगर मैं डीलरशिप का देखूं तो मुझे ये नंबर भी उतना सही नहीं लगा, बिकॉज डीलरशिप और टिंटिंग मशीन का मैं बात करूं ना तो कुछ ये पिछले साल से इस साल में कुछ 2-2.5% का एक ग्रोथ हुआ है, राइट, बिकॉज सेंस बनता है ना, एक तरफ डिमांड इफेक्ट हुआ है, दूसरे तरफ मार्जिन प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, फिर उसके बाद मॉनसून है, तो ये सारे चीजों में जब आपका वॉल्यूम ग्रोथ दिख नहीं रहा है, डिमांड उतना दिख नहीं रहा है, राइट, तो आप भी उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, राइट, तो ये बनता है एक और प्रॉब्लम बिजनेस का, राइट। तो इंडिगो पेंट्स एक छोटी कंपनी है, छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी, लेकिन देखिए बड़े मार्केट कैप हो या छोटी मार्केट कैप हो, अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है ना तो उसका स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। अब आता है एक प्रॉब्लम के बारे में, मैं बात करता हूं इस बिजनेस का। जैसे मैंने क्या बोला कि हर जगह में जब रॉ मटेरियल प्राइस, जैसे रेजिन एक पेंट का एक रॉ मटेरियल, उसका प्राइसेस बहुत बढ़ गया था, ठीक है, तो हर जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो पेंट कंपनी को उसी एंगल से प्राइस को बढ़ाना है, राइट, नहीं तो अपना मार्जिन घट जाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूं कि यहां पे Q3 में मैनेजमेंट ने क्या बोला, तो मैनेजमेंट ये बोलता है कि आगे जाके इवन आज भी वो कुछ आपका वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है अपना वॉल्यूम को वापस लाने के लिए। इसका क्या मतलब होता है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब आप आपका पेंट को सस्ता बेचने का बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप सस्ता बेचने का बात कर रहे हो मतलब दो चीजें, मतलब आपका बार्गेनिंग पावर उतना है नहीं, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेड डिस्काउंट की बातें कर रहे हो मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपका मार्जिन विल बी अंडर प्रेशर, बट जब आपका मार्जिन विल बी अंडर प्रेशर तब वॉल्यूम आएगा ज्यादा। तो अब सोचिए ना ROE जो मेन एक फॉर्मूला है, राइट, ROE को अगर आप ब्रेक करते हो तो दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो मेनली, एक होता है एसेट टर्नओवर जो कि वो बोलता है आपका वॉल्यूम वाला हिस्सा, करेक्ट, कि पर यूनिट एसेट पे आप कितने सेल्स किए, करेक्ट, वो आपका वॉल्यूम दिखाता है मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन्स, के पर यूनिट सेल्स पे आपने कितना पैसा बनाया, मतलब नेट इनकम बाय सेल्स, तो नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय एसेट, अब इनटू उसको एसेट बाय इक्विटी कर दोगे व्हिच इज अ लेवरेज कंपोनेंट, ये बनता है आपका DuPont एनालिसिस का ROE, ठीक है। अब सोचिए ना, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो तो मतलब क्या आपका मार्जिन वाला जो कंपोनेंट है ROE का, नेट इनकम बाय सेल्स, वो घट जाएगा, करेक्ट। तो कंपनी क्या बोल रहा है कि ये घटने दो लेकिन हम वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि ओवरऑल ROE इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पॉइंट यही है ना कि ये मुझे एक नेगेटिव लगता है, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर बोलता है ना कि हम सस्ते में माल बेचेंगे, मैं तो बहुत डर जाता हूं, ठीक है, क्योंकि तुम अगर सस्ते में माल बेच के वॉल्यूम में बेचोगे, कल क्या पता तुम्हारा वॉल्यूम आए लेकिन तुम्हारा प्राइसिंग वापस ना आए, ठीक है। और एक बार क्या होता है ना, एक बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, जब कोई सस्ते में एक बार बेच देता है ना तो प्रॉब्लम होता है कि उसको एक्सपेंसिव मतलब वापस, उसको वापस आना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। सो ये तो यही मोर ऑर लेस है, अभी तो और कुछ है नहीं, बट हाँ एक और पॉइंट है कि इंडिगो पेंट्स, लेकिन देखिए ये सब तो छोटी मोटी क्वार्टरली बातें है, ठीक है,
इंडिगो पेंट्स का अभी भी 2% 3% का पूरे इंडिया में मार्केट, मतलब मार्केट शेयर है। एशियन पेंट्स तो 50-60% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। तो इंडिगो पेंट्स का मार्केट शेयर बढ़ाने का स्कोप है, जबकि कंपटीशन बढ़ गया है, दूसरा भी पेंट कंपनीज आ गया है एंड ऑल दैट, बट ग्रोथ देख के मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। दूसरा, मुझे ट्रेड डिस्काउंट का बातें अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा, जो इतना प्रॉब्लम्स है, तो आप अगर देखोगे ना, ये स्टॉक भी ना कुछ 50% गिर चुका है ऑलरेडी, 40-50% टॉप से गिर चुका है। क्यों? बिकॉज अगर आपका पी 100 है, 100 पी में कोई स्टॉक है और से उसका ग्रोथ है 4-5%, जबकि उसका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट का बातें बोल रहा है, तो वो स्टॉक तो 1700 से डायरेक्ट 900 हजार में गिर गया। आज पता नहीं कहां है, बट हजार के आसपास आप पकड़ के चलो, एक बार देख सकते हो। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हो गया ना कि आज इंडिगो पेंट्स जैसा एक कंपनी, स्कोप तो बहुत है। जैसे दोनों को आपने देखा, एप्टस देखा, इंडिगो पेंट्स देखा, दोनों में स्कोप है। बट अभी तक के लिए मुझे लगता है कि लाइक आई नो बोथ आर इन डिफरेंट सेक्टर्स, बट एप्टस का ना ग्रोथ चल रहा है, इसलिए द इंजन इज रनिंग। हाँ, आगे जाके बैड लोन्स कर देगा,